Hi everyone, welcome back to Lead Coding. I am Faraz and I am a software engineer at CureFit. In this video, I am launching the beginner's DSA sheet. Ab ye DSA sheet un logon ke liye hai jinhone ek programming language kar li hai and they are confused ki unko kis platform se start karna chahiye. After learning a programming language, whether they should participate in the contest, whether they should follow a particular DSA course or they should follow a certain DSA sheet. So this is the spot. This is the beginner's DSA sheet. आप लोगों को अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वेदर इट इज C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस बिगनर्स डीएसए शीट। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं एंड वेरी इजी टॉपिक्स रखे हुए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस शीट यू विल बी इन अ रियली गुड पोजिशन टू पिकअप द एडवांस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपका एक बार फ्लो बन जाएगा हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस, हाउ टू सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू रीड द कंस्ट्रेंट्स। ये सब सीखने के बाद यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू पिकअप द डिफिकल्ट वंस। होता क्या है, एक बार आपका हाथ बैठ जाता है जब प्रॉब्लम्स में, आपके पास एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आ जाएगी, देन आपको बस एक नया एल्गोरिथम सीखना होता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, कहीं पर भी आप फंसेंगे नहीं। सो दिस इज द स्पॉट, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा इधर उधर जाने से। सो इसमें मैंने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज हाउ दिस शीट इज गोइंग टू हेल्प यू, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरी चीज़ हाउ दिस शीट इज स्ट्रक्चर्ड, शीट का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने कहाँ से क्वेश्चंस पिक किए हैं एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट क्राइटेरिया आई हैव सेलेक्टेड दीज क्वेश्चंस। एंड द थर्ड थिंग इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस शीट एफिशिएंटली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर टू पे, हाउ आई हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर बिगनर्स डीएसए शीट। ठीक है, सो दिस इज द डीएसए शीट, यहाँ पर आपका एरेज, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद एडवांस टॉपिक्स जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह मैंने अपनी दूसरी वाली डीएसए शीट, विच इज द कंप्लीट डीएसए शीट, उसमें कवर किया हुआ है। सो दिस डीएसए शीट इज ऑल्सो प्रीटी फेमस, और इसको करने के बाद यू विल बी डन विथ ऑल द क्वेश्चंस विच कुड बी आस्क्ड इन द टेक्निकल इंटरव्यूज। ठीक है, तो वो है पार्ट टू, वो आपको इसके बाद करना है, अभी आपको फोकस करना है बिगनर्स डीएसए शीट पे। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर अगेन फ्रॉम इंटरव्यूज ओनली। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और मैंने कहीं से भी इनको पिक कर लिया है। दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन टेक्निकल इंटरव्यूज, पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, और मैंने इनको अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, मैट्रिक्स, दिस एरे इज द इजिएस्ट टॉपिक, सो इसको सबसे ऊपर रखा हुआ है, एंड विद इन एरे जो प्रॉब्लम्स हैं दीज आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी। ठीक है, ऑल दो ऑल द प्रॉब्लम्स अवेलेबल हेयर आर वेरी ईजी। ठीक है, अब जिसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को कितने दिन में कर पाएगा, सो एन आइडियल टाइम इज 10 days। ठीक है, 10 दिन के अंदर अगर आप लोग ये पूरी की पूरी डीएसए शीट कंप्लीट कर लेते हैं, यू आर रियली गुड। ठीक है, बाकी आई वुड आस्क यू टू गिव योर सेल्फ अ टारगेट, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना अपना टारगेट कि आप कितने दिन में ये डीएसए शीट कंप्लीट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जस्ट मेंशन दैट। उसके बाद आके आप मुझे बता सकते हैं कि आप वो टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, या कोई डिफिकल्टी आई या नहीं आई। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चंस हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन पे आप लोग जाएंगे। ओके, यू विल हैव टू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करो, समझो, एग्जाम्पल्स रीड करो। ठीक है, एंड जस्ट इन केस बिकॉज यू ऑल आर वेरी न्यू, आप लोग नए हैं, जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, गो टू द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में जाओ, पढ़ो हाउ दे आर अप्रोचिंग, सॉल्यूशन पढ़ो इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद कोड देख लो, यहाँ पर आपके जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह में कोड्स अवेलेबल हैं, तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। ओके, यू कैन हैव अ लुक एट द कोड, अच्छे से कोड समझ लो, अपने आप कोड कर लो, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आपको करना है। नाउ देर आर फ्यू टॉपिक्स जो कि आप लोगों के लिए थोड़े नए हो सकते हैं, मे बी एरेज में आपने क्वेश्चंस आज तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ओके, जैसे आपने बाइनरी सर्च में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो मैंने उसके लिए भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जो कि मैंने बनाया हुआ है। ओके, सिमिलरली फॉर रिकर्जन, लिंक लिस्ट के लिए तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है, तो उसके भी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, so this is how you can approach this DSA sheet, all right? Now after completing each and every question you can update the status. पहली बात तो यहाँ से जाके इसको कॉपी बना लेना, मेक अ कॉपी, एंड देन यू कैन एडिट दैट। अभी आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, कॉपी बनाने के बाद एडिट कर पाएंगे। सो अगेंस्ट ईच क्वेश्चन जस्ट राइट डन, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से है तो,
अगर आप लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं देन राइट रिपीट कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा से आके रिपीट करना है, ठीक है। वंस ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन मार्क्ड एज डन देन यू कैन मूव ऑन टू माय 250 क्वेश्चंस डीएसए शीट, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल राइट, अपना एक टारगेट सेट कर लो, कमेंट सेक्शन में जाके टारगेट लिख दो कि कितने दिन में आपको डीएसए शीट कंप्लीट करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है वाइल डूइंग दिस डीएसए शीट विद इन दिस 10 डेज, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई इट, ठीक है। सो नाउ यू कैन गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस डीएसए शीट। ऑल द बेस्ट यू गाइज, जस्ट लेट मी नो द अपडेट्स एंड आगे भी कई सारी ऐसी वीडियोज आने वाली हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।